पास कहाँ से होगा? चलिए अभी ये ऑपरेशन कंप्लीट करके दिखा रहा है। जी सर, अभी मैं इसको क्लोज करूँगा। बस अभी ये प्रोग्रामिंग इधर आ गया है, ठीक है ना? ओके, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ये टेन ट्वेल्व ये सब इधर लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। जी सर, अभी हम करेंगे कोई आईपी फोन का नया नंबर क्रिएट करेंगे। हाँ, तो ये फिल करते हैं फिल्टर ऑप्शन। जी हाँ, फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये आईपी फोन लिस्ट दिखा रहा है। जी हाँ, आईपी फोन लिस्ट में क्लिक करेंगे। ये आईपी फोन लिस्ट में हम लोग 200-201 ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। जी, 200-201 आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, 202 से बाकी जितना नंबर आपको दिखाई देगा। ओके, तो मैं अभी 202 ले रहा हूँ। ठीक है सर, 202 में मैं चेक किया, राइट मार्क किया। हाँ, क्लिक किया। ओके, ओके किया। जी सर, बस मेरा ये ऐड हो गया है, इसके लिए अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी ये जो विंडो है ना, जी सर, 11-12 इसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए अपलोड का जरूरत पड़ता है। अच्छा अच्छा मतलब जो भी डेटा से जो इसका सिस्टम डेटा है उस पर हम लोग कुछ करते हैं तो अपलोड करेंगे ना सर? हाँ, राइट, ये 10 से लेके 95 ऐसा है। जी जी तक जो है जी, ये वाला में कुछ करेंगे तो हम आपको अपलोड लास्ट में करना पड़ता है। ओके ओके, और अभी जो मैं फिल्टर ऑप्शन में जाकर आईपी को लेके आया हूँ उसके लिए प्रोग्रामिंग अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके सर, तो अभी मैं आईपी फोन एक लिया 202, ठीक है ना? जी सर, के लिए क्या चाहिए मुझे? पासवर्ड क्रिएट करना है। जी हाँ, तो पासवर्ड के लिए मुझे 15 में जाना है। अच्छा 15, ओके, 15 तो 15-5 में जाना है। 15 का 5, 15-5 में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो आईपी फोन क्रिएट हुआ था वो आपको दिखाई देगा। जी, मतलब सबसे पहला एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट आएंगे 200 ही आएंगे ना? 200 ही आएंगे, 200 से स्टार्ट है। जी, तो पहला नंबर इधर शो करता है। ओके, इसको मैंने 202 बनाया था ना आईपी फोन को, तो 202 में मुझे जाना है, सिलेक्ट करना है। 202 को मैंने क्लिक करूंगा। ओके, देखिए 200 और 201 में जो आईपी एड्रेस 1230 है वो सिंक कर गया, इसलिए सिस्टम में दिखा रहा है। हाँ, अभी इसको देखिए 202 में कोई आईपी डाला नहीं अभी तक, इसलिए 0000। हाँ ओके, जी सर, पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपका आईपी फोन सिंक नहीं होगा। तो मैं इसको 202 सिलेक्ट करता हूँ। ओके, 202 सिलेक्ट करने के बाद ये ऑथेंटिकेशन पासवर्ड 16 में आता है, 16 नंबर पैरामीटर। जी सर, इसको मैंने एक ये पासवर्ड दूंगा, ठीक है, कैपिटल एन, ठीक है। जी सर, बाकी सारे नॉर्मल कर दीजिए सर, सिर्फ इन एन ई सी एट द रेट 1234 पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए। जी, जी सर, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहला काम है कोई भी डेटा अपडेट करने के बाद मुझे इधर अप्लाई प्रेस करना है। ओके, अप्लाई प्रेस कर दिया। अप्लाई प्रेस करने के बाद पूरा पूरी सिस्टम में गया नहीं अभी तक। अच्छा, अभी इसको मैं अपलोड करूंगा। देखिए अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो मैं प्रोग्रामिंग किया वो इस एप्लीकेशन विंडो में ही रहता है। अच्छा, मतलब मेरे डेस्कटॉप मतलब सिस्टम पे है ना सर अभी? ओके, विंडो ये जो बेसिक प्रो विंडो है इसमें ही रहता है। जी जी, जब मैं अपलोड प्रेस करूंगा तब जाके वो सिस्टम पे घुसता है। ओके ओके सर, वेब लॉगिन में क्या होता है, वेब लॉगिन में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसको अप्लाई करने से वो सिस्टम पे थ्रू हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना, पीसी प्रो और वेब लॉगिन में यही अंतर है, और अंतर और भी बहुत है। वेब लॉगिन में बहुत कुछ एरर देता है, एरर। अच्छा, मैंने कल ना सर, जी सर, क्या होता है प्रोग्रामिंग आप एक किए हो और फंक्शन कुछ और होता है। अच्छा, तो हमेशा एनईसी से रिकमेंडेड है कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे एनईसी सिस्टम को ये इसी प्रो एप्लीकेशन के थ्रू कीजिए। ओके सर, ये बनाया गया, और बहुत सारे ब्राउजर वेब ब्राउजर जो भी है जिसके साथ हम लॉग इन करते हैं तो वो क्या होता है ब्राउजर का वर्जन चेंज होता है, ठीक है ना? तो कैसे वर्जन डेवलप होता है, एनईसी उतना जल्दी तो वर्जन डेवलप नहीं कर पाता है। जी सर, कोई भी एक चीज डेवलप होने से आपको भी डेवलप होना है तो जाके आप उसको छू सकते हैं। तो क्या होता है ब्राउजर ऐसा डेवलप होता है, ऐसा वर्जन डेवलप होता है, चेंज होता है, तो उसके लिए वेब लॉगिन में बहुत सारे एरर्स आ जाता है प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो इसलिए हमेशा पीसी प्रो एप्लीकेशन
ओके सर अभी मैं इसको NEC 1234 दिया हूँ, जी अप्लाई प्रेस कर दिया हूँ। अप्लाई प्रेस करने के बाद अपलोड प्रेस करूँगा, जी अपलोड में क्लिक किया हूँ। अपलोड क्लिक करने के बाद एक विंडो आता है, इस विंडो में बहुत सारा कुछ दिखा देता है। जी जी पर आपको क्या करना है, आपको ये 4 नंबर वाला विंडो को क्लिक करना है। ओके, 4 नंबर्स नीचे से। ओके, 4 नंबर वाला, जी सर। क्योंकि हम जब डाउनलोड किए थे, मैं दोबारा दिखाता हूँ, जब हम डाउनलोड किए थे तब एक विंडो आया था, उसमें डायरेक्ट स्टार्ट प्रेस किए थे। जी हाँ, स्टार्ट डायरेक्ट प्रेस किए थे, राइट। कोई 4 नंबर वाला कुछ प्रेस करके बाद में स्टार्ट ऐसा नहीं किया नहीं किया था सर। हाँ राइट सर, डायरेक्ट स्टार्ट किया था। अपलोड में क्या होता है, अपलोड में जो विंडो आएगा उसमें ये जो छोटा छोटा 4 विंडो है उसमें से 4 नंबर वाला हम क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट प्रेस करेंगे। ओके, तो अभी ये सिस्टम में घुस रहा है, प्रोग्रामिंग आपका घुस गया है, ऑपरेशन कंप्लीट दिखा रहा है। ओके जी सर, प्रोग्राम घुस गया। तो अपलोड और डाउनलोड का अंतर पूछ गया ना? जी सर, अब क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी मैं प्रोग्रामिंग आईपीफोन 202 बना दिया, और 202 का मेन चीज है ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, वो भी मैं क्रिएट कर दिया। जी सर, अभी मेरा काम इधर का हो गया है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ये डिस्कनेक्ट वाला प्रेस करने से ये जो जोड़ है वो खुल जाएगा। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मशीन से। ओके, मशीन डिस्कनेक्ट हो गया है, देखिए। जी हो गया सर। तो इसको मैं मिनिमाइज कर दिया। अभी मैं आईपीफोन कहाँ पे है, आईपी फोन सर गूगल क्रोम में खोलना होगा सर। आईपी गूगल क्रोम, आपको हमेशा जो भी आप अपडेट करेंगे उसे नोट डाउन करेंगे। ये जैसे पासवर्ड मैंने दिया, ये 202 का पासवर्ड। जी सर, हाँ ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, कॉपी में लिखा हूँ, कल आपने 2 दिया था ना सर, मैंने वो लिख के रखा है। बस मुझे एक पासवर्ड अभी बता दीजिएगा सर, जो आपने फ़ोन जैसे लॉगिन करते हैं अभी आप, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, जैसे मुझे खोलना पड़े तो? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है एडमिन का सब कुछ स्मॉल है। ओके, और पासवर्ड रहता है 6633222। 6633 222। अच्छा, 222। हाँ अच्छा, इसका ये क्या है, आईपी एड्रेस 15 दिया ना? राइट, 15 है सर। वन, ये पिंग हो रहा है? हाँ, पिंग हो रहा था सर। 15। क्या बोले, 6 6 एडमिन, जी पासवर्ड एडमिन ही है क्या सर? ओके, जी सर, क्योंकि एनईसी का दूसरा जो मॉड्यूल का फोन है हाँ, उसमें एडमिन और 6633 रहता है, और ये वाला मॉड्यूल में एडमिन एडमिन रहता है। ओके, एडमिन एडमिन दोनों ही स्मॉल लेटर का। इसका सर पासवर्ड मैं रख दूं क्या? क्या इसका जो अभी पासवर्ड सेट करने दे रहे हैं सर? हाँ, वो आप लिख लेना चाहिए, ये इस मॉडल का एनईसी IPX 1615 का बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है, इसका आईडी रहता है एडमिन एडमिन। ओके ओके, एडमिन एडमिन। ये जब भी आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तब आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा मैंडेटरी। ओके, ये विंडो आ गया ना, देखिए पासवर्ड चेंज कीजिए करके बोल रहा है। जी, मैं इसको पासवर्ड चेंज कर दो, करंट पासवर्ड है एडमिन, तो मैं न्यू पासवर्ड देता हूँ, वो भी एडमिन देता हूँ, ए कैपिटल दे देता हूँ। अच्छा, ए कैप्स में है ना सर? ए कैप्स में दे देता हूँ अभी, न्यू पासवर्ड में। ओके सर, कंफर्म न्यू पासवर्ड ABMIN, तो आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा। जी सर, इससे पहले जो कल किया था सर आपने एक फ़ोन, उसमें भी ए कैप्स में होंगे सर? हाँ, उसमें यूज किया, पहला वाला फ़ोन में, उसमें भी सेट किया। ओके ठीक है जी सर। अभी देखिए ये पासवर्ड सेट करने के बाद ये देखिए विंडो आ गया है। जी, इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट्स पे जाएंगे। ओके, अकाउंट्स पे क्लिक किया, अकाउंट्स में हमको क्या क्या देना है, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम मैंने 202 दे दिया, नहीं तो जो आदमी बैठेगा उसका नंबर, नाम दे देना। अच्छा, नाम डाल सकता हूँ ना सर? नाम डाल सकते हैं। ओके अच्छा, सिम सर्वर, सिम
ये सारे में रहेंगे क्या सर? ओके ओके हाँ हाँ सर, 10 दिया था मैंने आईपी एड्रेस। हाँ जी सर। जी सर जी सर। ओके सर समझ गया ये। जी सर वो सर्वर ये उसको एक सही चाहिए चलने के लिए। जी जी सर जी सर। ओके सर। जी सर। ओके अच्छा, जो वहां पे डाले सर वो एक्सटेंशन नंबर वही होना चाहिए ना। मैं इसका एक फोटो ले लिया हूँ सर। जी सर। ओके जी सर। ओके ठीक है। ओके जी हाँ, एक आपने पासवर्ड डाला था जो NEC@124। हाँ 1234 राइट सर। जी सर। ओके जी सर। ओके जी एडमिन कर दिया। यस हाँ सर, SIP रजिस्ट्रेशन यस हो गया सर। जी सर हाँ। ओके सर। सिस्टम को मतलब जितना फ़ोन, जैसे मान लीजिए सर बहुत सारे फ़ोन है तो सब फ़ोन को एक एक करके करेंगे तो सिस्टम को क्या ओके 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 जी सर। जी सर। जी सर ओके ये तो भी स्टार्टअप, ये भी दिखा रहा है रिबूट हो रहा है। जी सर। हाँ सर स्टेप तो मैं समझ गया हूँ। हाँ एक IP डाल दूंगा जैसे कि मैंने डाल के अभी रखा था IP। जी सर। यस यस ओके।